Good morning. आज प्रश्नावली 8 का अनुमान का क्वेश्चन नंबर 8 का ही एक और भाग सिद्ध करने जा रहे हैं. उसमें दिया है पते का मान 4/3 दिया हुआ है, तो हमको cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है. इसके बाद तो यहाँ पते बराबर 4/3 दिया है. हम पहले सपोर्ट की रचना करते हैं कि करेंगे, जिसमें दिखा दे ए न्यूनकोण है और सी समकोण है और बी न्यूनकोण है. इस कोण के लिए, कोण ए के लिए कोण का मान दिया है 4/3, क्योंकि अनुपात दिया है तो 4/3 एसी बटा बीसी हो गया. तो एसी को हम मान लिए 4 के और बीसी को मान लिए हम 3 के मान लिए, यानी एसी और बीसी का मान हम के रूप में निकाल लिए. अब हम इसका पाइथागोरस प्रमेय से एसी और बीसी का मान के रूप में निकल गया. हम एबी का मान निकालें, जिसकी वजह एबी को निकालेंगे. तो यहाँ एबी को निकाल लिया, एबी का मान हमारा आया है 5 के. चूंकि एबी बराबर एबी क्या है तो कर्ण है, कर्ण बराबर होता है अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर. लंब 4 के है, 4a के लिए लंब हो गया 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, यानी 5. ये दोनों का वर्ग करेंगे तो हमको 5 क्या है. इसके आधार पर हमारा कर्ण एबी का मान कितना हो गया, 5k हो गया. अब तीनों भुजा हमको निकाल लिए, 3k 4k और 5k. अब क्या हमको निकालना है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a का मान निकालना है. तो cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण. तो cos a के लिए आधार हो गया ac और कर्ण हो गया ab, आधार बटा कर्ण 4k बटा में 5k वर्ग कर दिए क्योंकि स्क्वायर है, यहां स्क्वायर हो गया. माइनस तो माइनस लिख दिए. sin स्क्वायर है, sin बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो यहां लंब हो गया 4a के लिए, लंब हो गया 3k और कर्ण हो गया ab 5k, 3k बटा 5k स्क्वायर हो गया. ये दोनों का वर्ग इसका वर्ग कर दिए, हमारा 16k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर आ गया. माइनस इसका वर्ग किया तो 9k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर गया. इन दोनों में से घटा दिए तो हमारा आ गया, घटाने के बाद 7/25, यानी ये हमारा साइन कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर का मान हो गया 7/25. इस तरह हमारा 8 क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा पार्ट जो है सिद्ध हो गया कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान कितना होगा यदि कॉट ए बराबर 4/3 दिया हुआ है. थैंक यू.